एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और यहाँ पे बन रही है मेरी ग्रीन टी। ग्रीन टी के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है और आजकल हमने ग्रीन टी स्टार्ट किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही हम लोग ग्रीन टी लेते हैं, और ग्रीन टी के लिए पानी को गर्म करना होता है और उसे मिक्स करना होता है। इसे उबालना नहीं होता है चाय की तरह, गर्म पानी में ग्रीन टी को ऐड करना होता है, फिर इसे छान करके पीना होता है। तो यहाँ पर मैं ग्लास में ग्रीन टी ऐड कर रही हूँ गर्म पानी में, फिर इसे छान लूँगी, उसके बाद ग्लासेस में वापस से ऐड करूँगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, सभी को पता है ग्रीन टी के फ़ायदे। तो अगर मैं गिनाने बैठ जाऊंगी तो पूरा व्लॉग ही ख़त्म हो जाएगा। तो ग्रीन टी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आजकल हमने भी सोचा कि ग्रीन टी लेना स्टार्ट करते हैं। और इतनी बुरी भी नहीं होती है, टेस्ट में ठीक लगती है, और ऐसा भी नहीं होता कि इसको पीने के बाद चाय की तलब भी नहीं होती ऐसे एकदम से। तो ग्रीन टी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मेरी ग्रीन टी बन करके तैयार हो गई है, और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ भिंडी। ग्रीन टी मैंने पी ली है और बेटे को मैंने बिस्किट और दूध दे दिया है, और वो अभी नहाने के लिए गया है पापा के साथ। और मैं यहाँ पे भिंडी कट कर रही हूँ क्योंकि वो स्कूल में या तो भिंडी की सब्जी लेके जाता है या आलू की सब्जी लेकर के जाता है, तो यहाँ मैं भिंडी बनाऊँ। फ्रेंड्स, सब मैं अगेन किचन में आ गई और मैंने चेंज कर लिए कपड़े, क्योंकि मैं अथक को जब बाय बोलने जाती हूँ तो गाउन में नहीं जा सकती। तो और यहाँ पे मैं ओट्स चीला बना रही हूँ नाश्ते में। मैंने ओट्स को ग्राइंड कर लिया है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कटोरी दही, और इसमें मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल्स में कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर। मैंने आधा शिमला मिर्च लिया हुआ है और एक टमाटर लिया है, और दही के साथ साथ इसमें हम पानी भी ऐड कर देंगे। मैंने लगभग आधा ग्लास पानी इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि हमें बिल्कुल थिक बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा पतला बैटर चाहिए चीला बनाने के लिए। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है, और तवा भी मैंने साथ ही साथ गर्म कर लिया है। वेजीज ऑलरेडी कट करके रखी हैं, तो अब मैं तवे में ऑयल को स्प्रेड कर दूँगी, और ऑयल स्प्रेड करने के बाद बस चीला बना लेंगे हम लोग। जैसे चीला बनाते हैं नॉर्मली वैसे चीला बना लेंगे। तो बैटर डाल दूँगी तवे के ऊपर इस तरीके से जैसे हम डोसा बनाते हैं, लेकिन चीला थोड़ा सा मोटा होता है तो मोटा रखा है मैंने इसको। और इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी, और वेजिटेबल्स को थोड़ा सा हम स्पैचुला की हेल्प से इसमें सेट कर देंगे, दबा देंगे। ये काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स खाने में, हेल्दी तो होता ही है, सबको पता है ओट्स चीला है तो हेल्दी तो होना ही है, वेजिटेबल्स भी हैं इसमें, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ओट्स का चीला है तो टेस्टी नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह में ये ओट्स चीला दीजिए बच्चों को, बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। सॉस के साथ दे दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसको सेक लिया है अच्छे से दोनों तरफ से, इसे अब मैं चार पीस में कट कर दूँगी खाने में, क्योंकि ईजी हो जाता है। तो ये हमारा जो है ओट्स चीला बन करके तैयार है, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनाता है, सही में बताऊं आपको तो। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में भी। तो अब मैं यहाँ पर सफाई करी और मैंने नहा भी लिया है, हस्बैंड भी जा चुके हैं यूनिवर्सिटी, बेटा ऑलरेडी स्कूल जा चुका है, और अब मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हस्बैंड नहीं जाते बेटा नहीं जाता, साफ़ सफाई का काम अच्छे से नहीं होता है। और आज मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मुझे गर्मी इतनी हो रही है, हमारे यहाँ पर सेप्टेम्बर आ चुका है लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे लेगिंग भी नहीं सेट हो रही, और लेगिंग में भी मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो आज मैंने सोचा मैं साड़ी डाल लेती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी साड़ी है, इसमें मुझे गर्मी भी नहीं लगती। तो मैंने आज साड़ी पहन ली है और साफ़ सफाई फटाफट से मैं कर रही हूँ, वही क्योंकि हस्बैंड और बेटा जब तक नहीं जाते हैं तब तक साफ़ सफाई नहीं होती, घर पूरा उल्टा हो जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो भूचाल आया हुआ है घर में। सो फ्रेंड्स, मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, और साफ़ सफाई करने के बाद ही ना मैं अपने फेस का जो भी है क्लीनिंग वगैरह क्लीनअप वगैरह करती हूँ। तो मैंने फेस दोबारा से धो लिया है, मॉर्निंग में मैं एक बार धो लेती हूँ उठते ही, और उसके बाद साफ़ सफाई जब भी करती हूँ तो उसके बाद मैं अपना मुंह वापस से धो करके और फिर क्लीनअप वगैरह करती हूँ। होम रेमेडी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ओनली बेसन है, एक चम्मच बेसन लिया है और एक ही चम्मच मैंने दूध इसमें ऐड किया है। और बस अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और इसे सूखने दूँगी 10 या 15 मिनट के लिए, फिर बाद में नॉर्मल पानी से धो लूँगी। तो ये जो होम रेमेडी है काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी स्किन के लिए, और इससे हमारे चेहरे पे ग्लो भी आता है, क्योंकि इसमें दूध भी है और बेसन भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए पहले मैं ये अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ एक बार।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फेस पैक मैंने बनाया है बेसन और दूध का, उसे मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना, बस हमारा जो आई एरिया होता है उसे हमें छोड़ देना है। उसके अलावा पूरे फेस पे हमें अच्छे से अप्लाई कर लेना है। नेक एरिया में भी हमें लगाना होता है, तो इसे हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे पूरे फेस पे। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें छोड़ना होता है, क्योंकि गर्मियां हैं तो 10 से 15 मिनट में ही सूख जाता है, अदरवाइज़ सर्दियों में तो आधा घंटा लग जाता है। तो अब मैं इसे सूखने दूंगी, उसके बाद ठंडे पानी से धो लूंगी। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और जो मेरा पैक मैंने बनाया था बेसन वाला फेस पैक, वो अब सूख चुका है और इसे मैंने साफ़ भी कर लिया है। और ये 10 से 15 मिनट में इजीली सूख जाता है, गर्मियों में तो सूख ही जाता है। और ये देखिए मैं इसे अपने हाथ से ही एक बार हटा रही हूँ, उसके बाद ठंडे पानी से नॉर्मल पानी से धो लूँगी इसको। और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हमारे चेहरे के जितने भी दाग धब्बे वगैरह होते हैं वो सब इससे हट जाते हैं। तो और इसको लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें बैठने का भी मौका मिल जाता है, घर के काम हम करते हैं तो, नहीं तो हम नॉन स्टॉप काम करते ही जाते हैं। तो इसको अगर हम लगाते हैं ना तो 2-10 मिनट हम बैठ भी जाते हैं इसी बहाने, तो बैठने को भी मिल जाता है इस बहाने। तो ये मैंने क्लीन कर लिया, बस मैं इसे धो लूँगी अपने फेस को और उसके बाद मैं कपड़े भी धोने हैं मुझे, तो कपड़े धोऊँगी, फिर खाने का भी काम है। तो आज का जो ये वीडियो है ना, वो मैंने अपने व्यूअर हैं मेरे एक, उनकी रिक्वेस्ट पर बनाया है। मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करें, तो उन्हीं के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया है आज का कि मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है। तो अब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ और फिर बाकी के सारे काम भी मुझे करने हैं क्योंकि, तो चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए और आज मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि आज बुधवार है तो आज ही मशीन लगा दूँगी, क्योंकि गुरुवार के दिन मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, तो आज ही मशीन लगा दूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, वैसे मैं कपड़े तो धो लेती हूँ, डेली के जो कपड़े होते हैं ना वो तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन मैं मशीन नहीं लगाती हूँ गुरुवार के दिन। तो यहाँ पर आज मैं मशीन लगा रही हूँ, फिर मशीन लगाने के बाद खाने का काम तो है ही, क्योंकि मुझे फुलके सेकने हैं, सिर्फ पापा जी और मेरे फुलके सेकने हैं, क्योंकि पापा जी 12 बजे के आसपास खाना खाते हैं, क्योंकि 11 बजे वो चाय लेते हैं तो एक घंटे बाद खाना खाते हैं। तो मैं 12 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं, जैसे पापा जी को खाना खिलाया उसके बाद ही मैं खाना खा लेती हूँ, साथ में ही फुलके सेक लेती हूँ, पापा जी को नीचे खाना दे आती हूँ, फिर मैं भी खा लेती हूँ ऊपर, क्योंकि किचन मेरा ऊपर है। तो फटाफट से इसीलिए मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि उसके बाद खाने का भी काम है। तो कपड़े धुल जाएँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैंने आज आपसे शेयर किया अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन, सुबह से लेकर दोपहर तक का जो मेरा टाइम होता है वो कैसे गुजरता है। मोस्टली लेडीज़ का इसी तरीके से गुजरता है टाइम, सुबह भागा दौड़ी रहती है, सुबह से लेकर दोपहर तक भागा दौड़ी रहती है, दोपहर तक क्या पूरे दिन ही भागा दौड़ी रहती है। इवन हम रात को भी सोने भी आते हैं ना, तब भी यही टेंशन हमें रहती है, कल सुबह में उठकर हमें क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, हस्बैंड के टिफ़िन में क्या जाएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो बच्चे खाते हैं वो हस्बैंड नहीं खाते और जो हस्बैंड खाते हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो मैं यही कह रही थी कि यही सोच रही थी कि औरत की जो जिम्मेदारियां हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, इवन बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि शादी भी हो जाती है बच्चों की, तब तक भी बच्चों औरत की जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ, मतलब वो 60 की एज की होंगी मेरी मम्मी, तो वो अभी तक मतलब उनकी वही जिम्मेदारियाँ हैं, अभी भी वो लगी हुई हैं अपनी फैमिली के लिए, और हम लोग भी जाते हैं तो हम भी उन्हीं पर डिपेंड हो जाते हैं, और अब तो उन्हें हमारा और साथ साथ हमारे बच्चों का भी काम करना पड़ता है। तो मैं उनको देखकर भी यही सोचती हूँ कि औरत की जिम्मेदारी तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लाइफ टाइम चलती ही जाती है, कभी भी काम से किसी भी लेडी को छुट्टी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है मैं यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे अथक को लेने भी जाना है और थोड़ा सा तैयार मैं हो चुकी हूँ, बाल सेट करने हैं तो मैं अथक को लेने के लिए भी जाऊँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। और जाते जाते कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी आपको मेरे ब्लॉग से सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। मिलती हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।